गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 11 जनवरी 2020 से पहले कौन से ऐसे जरूरी काम हैं जो आपको निपटा लेने हैं, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी 11 जनवरी से पहले ये दो काम जो करने हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि जीएसटी के अंदर 10 जनवरी का जो ड्यू डेट है वो काफी महत्वपूर्ण है और 11 जनवरी का जो ड्यू डेट है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों ये महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन नंबर 74 इशू किया गया था, इसमें ये बताया गया था कि द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड फॉर द रजिस्टर्ड पर्संस हु फेल्ड टू फर्निश द डिटेल्स of outward supplies in form GSTR 1 for the month or quarters from July 17 to November 2019 by the due date but furnishes the said details in form GSTR 1 between the period 19th December 19 to 10th January 2020। मतलब अगर आपका GSTR 1 जुलाई 2017 से लेके नवंबर 2019 तक का पेंडिंग है तो आप उसे फाइल कर सकते हैं 10 जनवरी से पहले। अगर आप 10 जनवरी से पहले फाइल कर लेते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली लेट फीस जो है आपकी वेव कर दी जाएगी। अगर आप 10 जनवरी के बाद फाइल करेंगे इस पीरियड से रिलेटेड, क्योंकि जुलाई से लेके नवंबर 2019 तक की जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी पार हो चुकी है, एक तरीके से ये एक्सटेंशन दिया गया है विदाउट एनी लेट फीस का, तो आपको 10 जनवरी से पहले इसको फाइलिंग कर लेना है, नहीं तो 11 जनवरी से आपको लेट फीस जो है इस पीरियड के लिए देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल बार बार लोगों का आ रहा है कि सर सपोज अगर हम लोग क्वार्टरली फाइलर हैं तो क्या नवंबर 2019 की रिटर्न हम लोगों को 10 जनवरी तक फाइल कर देनी है? जी नहीं, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपका जो ड्यू डेट है फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 19 वो 31 जनवरी 2019 है। यहाँ पे बताया गया है द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ और क्वार्टर्स। तो जो क्वार्टर आपका इस पीरियड में फॉल करेगा उसी क्वार्टर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो नवंबर 19 तक का जो मंथली रिटर्न है वो आपको लगा लेना है और सितंबर 19 तक का क्वार्टरली जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर देना है 10 जनवरी 2020 तक, नहीं तो उस पे लेट फी जो है वो लग जाएगी। दूसरा सवाल जो आपको बेहद अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि GSTR 1 जब हम लोग फाइल करते हैं, सपोज आपने फाइल किया अप्रैल 2019 का GSTR 1, तो एक चीज अगर आपने कभी नोटिस किया हो जीएसटी पोर्टल पे कि अगर आप GSTR 1 एक महीने का स्किप कर देते हैं और दूसरे महीने की फाइलिंग करना चाहते हैं तो वो पोर्टल आपको अलाउ कर देता है। मतलब क्या हुआ सर कि अगर आपने अप्रैल 2019 की GSTR 1 फाइल कर दी और मार्च 2019 की नहीं फाइल करी तो पोर्टल आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आपने कभी नोटिस किया हो तो 3B जो है वो आपको फाइलिंग नहीं करने दी जाती है अगर आपका प्रीवियस महीने का 3B जो है वो पेंडिंग रह जाता है। तो GSTR 1 को फाइल करते समय अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी होगी कि जिस महीने की आप GSTR 1 फाइल कर रहे हैं उससे पिछले महीने की GSTR 1 जो है फाइल हो रखी है या नहीं वो जरूर चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको पता ही ना हो कि GSTR 1 जो है फाइल नहीं हुई है और आप ये सोचें कि नवंबर 19 की फाइल है तो इससे पिछले जो है वो तो फाइल हो ही चुकी होगी, क्योंकि अगर पिछली फाइलिंग नहीं होती तो नवंबर की कैसे हो जाती। ऐसा हो जाता है, GSTR 1 में पोर्टल मना नहीं करता है। तो ये दूसरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है GSTR 1 से रिलेटेड। अगर आप अपनी GSTR 1 को फाइल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्लियर टैक्स का फाइलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसका साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब तीसरी चीज कि दिसंबर 2019 की रिटर्न जो जानी है GSTR 1, क्या उसकी भी ड्यू डेट 10 जनवरी है? जी नहीं, उसकी ड्यू डेट है 11 जनवरी 2020। दिसंबर 19 की GSTR 1 आपको 11 जनवरी 2020 तक फाइल करनी है। अगर आप 11 जनवरी तक नहीं फाइल करेंगे तो आपको 12 जनवरी से लेट फी देनी होगी और अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने की जो क्वार्टरली GSTR 1 फाइलिंग है उसकी ड्यू डेट है 31 जनवरी, उसके बाद आपको इस पीरियड के लिए जो है लेट फी देना पड़ेगा।
तो ये हो गया जीएसटीआर 1 के लेट फीस से रिलेटेड जो चीजें आपको चेक करनी है। अब दूसरा जो चीज है जो आपको ध्यान में रखना है जीएसटीआर 1 की फाइलिंग से रिलेटेड, वो ये कहता है इन द सेड रूल्स, यहां पर जो बात बताई गई है कि जो सीजीएसटी का रूल्स है उसमें विद इफेक्ट फ्रॉम 11 जनवरी 2020 इन रूल 138E। रूल 138E किस चीज की बात करता है? रूल 138E बात करता है ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल और रेस्ट्रिक्शन ऑन जनरेशन ऑफ और फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01। After clause B, the following clause shall be inserted. 138E का जो clause A है, वो ये कहता है कि अगर आप एक regular taxpayer हैं और आपने अपनी GST की return जो कि 3B में file होती है, consecutive two tax periods या two tax months की file नहीं करी है, तो आपका e-way bill जो है वो block हो जाएगा। तो अब 3B की जो clause है, उसके बाद एक clause और insert कर दिया जाएगा 11 जनवरी 2020 से। ये क्या कहता है? Being a person other than a person specified in clause A has not furnished the statement of outward supplies for any 2 months or quarters as the case may be। अगर आपने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करी, आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, तो आपने 2 महीने की या 2 क्वार्टर की GSTR 1 अगर पेंडिंग रखी है, तो 11 जनवरी से लेट फी तो लगेगी ही, साथ ही साथ आपका ई वे बिल जो है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप ई वे बिल ब्लॉक करने के लिए 3B फाइल कर सकते हैं, तो GSTR 1 भी साथ ही साथ आपको फाइल करना होगा। दोनों रिटर्न आपको अब फाइल करना मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ ई वे बिल। अब जो एक चीज और चेंज किया गया है रूल 36 सब रूल 4 के अंदर, आपकी GSTR 1 फाइलिंग से सामने वाले का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो भी डिटरमाइन किया जाएगा। अगर आप अपनी 11 तारीख की GSTR 1 नहीं फाइल करेंगे, तो जो बंदा GSTR 2A के अंदर 11 तारीख को मिलान करने बैठेगा कि हमारी 20% का जो कैलकुलेशन है वो करना है, तो अगर आप 11 तारीख के बाद करेंगे, तो 11 तारीख के बाद जो इनवॉइसेस अपलोड होंगे उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल सकता, आपके रिसीवर को नहीं मिल सकता, जो कि क्लैरिफिकेशन में बताया गया था सीबीआईसी की तरफ से। तो आपके रिसीवर को क्रेडिट का नुकसान ना हो जाए आपके इनवॉइसेस से, इसीलिए भी अब जरूरी है कि आप अपनी GSTR 1 जो है उसे जरूर फाइल कर दें। यहां पर जो रूल 138E है वो बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 1। इसका जो क्लॉज बी है, यहां पे मैंने आपको बताया था बीइंग अ पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड्स ऑफ 2 मंथ्स, 3B 2 महीने तक नहीं फाइल करी थी, तो क्लॉज बी में कवर हो गया था। अब क्लॉज सी के अंदर जो कवरेज है वो GSTR 1 के लिए डाल दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर 11 जनवरी से पहले कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको निपटा लेने हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।